नमस्ते दोस्तों, जॉइनिंग अस टुडे फोर डिग्निटरीज मिस्टर जसवंत सिंह चौहान. ही वॉज अ म्युनिसिपल कॉर्पोरेटर ऑफ वडोदरा इन 70s. मिस्टर निकितन कॉन्ट्रैक्टर. ही रन्स एन जी ओ कॉल्ड फ्रेंड्स ऑफ इसराइल. नेशनल अवार्डी मिस्टर दिलू सी सर. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट मिस्टर मोती भाई करोजिया. He was into trade union and he is a social activist. So let's welcome. Welcome sir. And namaste. ખરી વાત એવી છે કે બિફોર અબાઉટ 2 years નિકુભાઈની સાથે મારે વાત થઈ. અને નિકુભાઈને ઓળખું એટલે એ કંઈ કોઈ રાજકીય પક્ષનું કામ કરે એવું હતું નહીં. એ સંજોગોમાં નિકુભાઈને કહ્યું કેવી રીતે કરવાનું છે, કેવી રીતે કરું. તો ત્યારે મેં એમને એવું કહ્યું કે ભાઈ ત્યારે જે શબ્દ વાપરેલો એને એવો વાપરેલો કે લોકશાહી વિચાર મંચ કેવું હતું. ઘણા વખતથી જસવંત ભાઈ તરફથી આ વિચારો આપણેની એક સંસ્થા બનાવવા માટેનો એક ટાર્ગેટ હતો અને એના માટે ફર્સ્ટ પ્રેફરન્સ આપણે નિકુભાઈ કોન્ટ્રાક્ટરને કહ્યું કે ભાઈ આ જે ઓફિસ મેં વર્ષોથી વિચારધારા સામાજિક વિચારધારાથી મારા ફાધર સાથે એસોસિએટેડ હતા, મારા મધર સાથે એસોસિએટેડ હતા અને આઈ હેવ ટ્રેમેન્ડસ રિસ્પેક્ટ ફોર હિમ. એમને જયારે વાત કરી કે આ એક સિટીમાં ઓફિસ છે. मैं जसवंत सिंह सर से जानना चाहूंगी कि आपके मन में ये विचार कैसे आया, ये आइडिया कैसे आया कि आपको लोक विचार मंथन स्टार्ट करना है. हम जानना चाहेंगे कि लोक विचार मंथन है क्या और आप क्या मिशन और विजन लेके चल रहे हैं इसको लेके. ये जो हम लोगों ने इवॉल्व किया है लोक विचार मंथन, वो पीपल्स एजुकेशन के लिए किया है. लोगों को ये बताने के लिए कि दुनिया में कैसे विचार चल रहे हैं और दुनिया कैसे सिस्टम में काम कर रही है, उसको देखते हुए इसका और कोई हेतु नहीं रहेगा. लेकिन ये जो पीपल्स एजुकेशन जिसको आप हिंदी में कह सकते हैं कि लोक शिक्षण, वो जो है काम, मूल काम रहेगा. और उसमें अलग अलग कोई विचार के लोग भी आएंगे चर्चा के लिए तो कोई उसका एतराज नहीं रहेगा. और ये जैसे मेरे दूसरे साथियों ने भी बताया आपको कि ये कैसे चलेगा, उस हिसाब से ये सब काम चलेगा. मेरी उम्र काफ़ी हो गई है, मैं इनफॉर्मली इनके साथ जुड़ा हुआ हूँ लेकिन फॉर्मली ये सब साथी ही काम करने वाले हैं. और इस आज मुझे ऐसा अच्छा लगा कि सब में क्लैरिटी अच्छी है इसके बारे में. तो वो क्लैरिटी होने से, जब क्लैरिटी हो तो ही अच्छा काम हो सकता है. कंफ्यूज कोई अच्छा काम नहीं कर सकता है. इसलिए आप ये गुजराती के साथ, मेरे वर्जन के साथ इसको अब जोड़ पाएंगे तो हो सकता है कि मेरी पूरी बात आपके ध्यान में आएगी. यहाँ पर एक छोटी सी बात तो और बता दूं कि लेटिन अमेरिका में इवान इलिच और पॉल ऑफ फेरेरे इन लोगों ने इस प्रकार का काम किया था लोगों को शिक्षित करने का. और इसके वजह से ही बहुत सारी जगह वहाँ पर लोगों में वैचारिक क्रांति आई थी.
जैसे मैक्सिको एक समय बहुत बैंक्रप्ट हो गया था, तो इनके विचारों के कारण मैक्सिकन पीपल जो है वो थोड़े डिटरमिन हुए और बैंक्रप्सी से बाहर आए थे। तो ये लोक शिक्षा, जैसे उन्होंने भी कहा कि लोक शिक्षा क्या कर सकती है, तो एक बहुत ताकतवर वैचारिक आंदोलन या क्रांति भी कहो आप, इससे द्वारा हो सकती है और मुझे लगता है कि ये होगी। धन्यवाद निकितन सर, आप कुछ बताएंगे इसके बारे में? सबसे पहले मैं जसवंत भाई का आभार मानता हूँ कि जो उन्होंने एक वर्किंग स्पेस हमें दी है, ये पुरानी सोशलिस्ट पार्टी की तरफ से उन्होंने हमें दी है, इसके लिए मैं उनको आभार मानता हूँ। ये जो लोक विचार मंथन जो है वो ये है कि राजकीय आइडियोलॉजी, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी आपको काफ़ी लोगों को पता नहीं है, तो कटिंग अक्रॉस एवरीथिंग ये हम सिखाएंगे लोगों को, स्पेशली यूथ्स को, कि लेफ्ट क्या था, राइट क्या था, सेंटर क्या था, दुनिया में कैसी कैसी मूवमेंट्स हुई है। ऐसी मूवमेंट होती है तो सरकारें बदल जाती हैं। मार्टिन ल्यूथर किंग ने मूवमेंट की तो बराक ओबामा प्रेसिडेंट बन गए। तो मूवमेंट की जो इफेक्ट होती है वो एक दिन में नहीं होती है, सालों लगते हैं उसको आते आते, वैसे लैटिन अमेरिकन मूवमेंट्स है, वैसे गांधी जी की जो मूवमेंट थी, जयप्रकाश नारायण की जो मूवमेंट थी, मैं तो कहता हूँ वहां तक के इवन वीपी सिंह की मूवमेंट थी, और उससे भी आगे कहूंगा कि आप एग्री करें या ना करें, राम मंदिर की मूवमेंट जो इनको आज इसमें ले आई है, दे हैव बिकम सच अ बिग पार्टी इन इंडिया। तो ये सारी चीजें लोगों को सिखानी चाहिए, लोगों को पता होना चाहिए कि क्या क्या हो रहा है दुनिया में। जैपनीज मूवमेंट है, राइट, हिरोशिमा के बाद उन्होंने जो पूरा छोड़ दिया, पूरे आर्म्स छोड़ दिए, एक बाजू रख दिए और लग गए अपने देश को बड़ा करने में। तो ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, डिक्टेटरशिप क्या है, डेमोक्रेसी क्या है, फ्यूडलिज्म क्या है, जो मिडल ईस्ट के ऑलमोस्ट एवरी कंट्री में है सिवाय इसराइल। तो ये सब सिखाने के लिए, लोगों को एक एजुकेशन करने के लिए ये हमने ये लोक विचार मंथन का गठन किया है। आशा करते हैं कि लोग इसमें इन्वॉल्व हो, स्पेशली अगेन आई एम कमिंग बैक टू द सेम स्टोरी, कि यूथ्स इन्वॉल्व हो इसमें, और इन्वॉल्वमेंट हो, चाहे वो कहीं पे भी जाए, इन्वॉल्व हो के कहीं पे भी कोई भी आइडियोलॉजी ले, लेकिन जो धीरू भाई ने कहा कि ह्यूमन डिग्निटी वो रहनी चाहिए, टॉलरेंस रहना चाहिए, इनटॉलरेंस एटीट्यूड नहीं होनी चाहिए किसी के तरफ, राइट, एंड वो कोई जात ना देखो, ना कोई कम्युनिटी देखो, ना कोई रिलीजन देखो, इट शुड बी फॉर एवरीबडी। आई विल गिव अ सिंपल एग्जांपल कि गुजरात एक टाइम ऐसा था कि सिर्फ चार पारसी थे गोधरा में, सिर्फ चार फैमिली गोधरा में थी, और गोधरा में से पारसी एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुन के आता था पीलू मोदी, राइट। आई डोंट नो आज पीलू मोदी पैदा हो तो मुझे नहीं लगता कि वो पंचायत का भी इलेक्शन कर सके। तो हम ये एक लोगों को सिखाना चाहिए, एक थीम है मेरा कि को एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस फॉर एवरीबडी यू नो इन दिस वर्ल्ड। होलोकॉस्ट वॉज अ पास्ट, वो वापिस नहीं आने वाला। हिटलर वॉज अ पास्ट, हिटलर विल नॉट कम बैक अगेन, और उसके लिए हमें इस तरह के मंथन का वो करना चाहिए, एंड वी शुड प्रोग्रेस अबाउट इट। थैंक यू। मूवमेंट, आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, जंगल बचाओ आंदोलन, एंटी करप्शन आंदोलन, एंड दैट हैज चेंज द नेशन फॉर एवर, इट वर्क्स। तिरुमिस्त्री सर, आप तो बरसों से ह्यूमन डिग्निटी और लोकतंत्र को मजबूत करने के कार्यों में लगे हुए हैं, तो आपके अनुसार आप कैसे जन जन तक पहुंच पाओगे इस विचार को लेके? हमारे वडोदरा शहर में काफ़ी लोग इंटेलेक्चुअल्स हैं, विचार विमर्श करने वाले हैं, पढ़े लिखे हैं, और हमारी वडोदरा नगरी तो संस्कारी नगरी कही जाती है। पर सवाल ये होता है कि जब इलेक्शंस अनाउंस हुए तो जैसे हमारे जसवंत सिंह चौहान और निकेतन कॉन्ट्रैक्टर ने कहा कि भाई हम कुछ
करें ताकि लोग थोड़े अवेयर हो, लोकशाही के बारे में अवेयर हो, अपने प्रॉब्लम्स के बारे में अवेयर हो और प्रॉब्लम्स को कैसे सुलझाया जाए, ऐसा एक मंच बनाया जाए तो हम लोग हो सके तो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हम काम निकालना सीख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कई लोग बोलते हैं, ये डायलॉग बहुत कॉमन है कि सरकार कुछ काम नहीं करती है, कॉरपोरेशन कुछ काम नहीं करती है, मेयर कुछ काम नहीं करता है, कॉरपोरेट कुछ काम नहीं करते। तो काम तो जब तुम कहोगे तब करेंगे। कोई भी वार्ड ऑफिसर हर एक वार्ड में जा नहीं सकता कि भाई क्या तुम्हारी गटर खुली हुई है या तुम्हारा दल टैप हो। यू हैव टू ब्रिंग टू द नोटिस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, आपको जाके कहना पड़ेगा कि भाई ये प्रॉब्लम है। अगर उसके बाद अगर काम नहीं करते तो यू कैन टेक दम ऑन टास्क, तब आप बोल सकते हैं कुछ काम नहीं करते। एक अकेला बोलने से कोई बात नहीं हो सकती, सरकार कुछ काम नहीं कर रहा। जितनी जिम्मेदारी सरकार की है उतनी जिम्मेदारी नागरिक की भी है, हमारी भी है, हमें भी कोऑपरेट करना चाहिए। तो एक ऐसा विचार मंथन करने के लिए एक आइडिया आया और हमारे जसवंत सिंह की कुछ ऑफिस थी, बहुत 10-15 साल से डिफंक हालत में थी। उन्होंने निकेतन कॉन्ट्रैक्ट को कहा तो निकेतन कॉन्ट्रैक्ट ने जरा फाइनेंशियल बर्डन उठाया और उस ऑफिस को जरा जैसे थोड़ी अच्छी लगे, बैठने के लिए कुछ पंखे लाइट वाइट वॉश कराए, ये वॉट एवर, तो एक जगह मिल गई हमको। और हम जरूर चाहते हैं और हम डेफिनेट करके रहेंगे कि वडोदरा में और हो सके गुजरात में और शायद भारत में भी ये विचार विमर्श हमारा फैले, हम लोगों से बात करें, हम लोगों से काम करवाए और लोकशाही को बने वहां तक एकदम मजबूत बनाए। क्योंकि लोकशाही हमारा सिद्धांत है, जैसे बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है उसके हम तरफदार हैं, हम उसके जिम्मेदार भी हैं और हमें जो है उसके हिसाब से रह के ना जात पात ये वो रिलीजन विलीजन कुछ छोड़ के टोटली ह्यूमन डिग्निटी बरकरार रहनी चाहिए, वो हमारा मानना है। कनौजिया सर आप बताइए कुछ। भारतीय विचारधारा के जो अलग अलग भाषा और अलग अलग धर्म के लोग ये हमारे लोक विचार मंथन की संस्था में दाखिल हो रहे हैं, हम लोग पहले निको भाई कॉन्ट्रैक्टर, जसवंत सिंह चौहान, धीरू भाई मिस्त्री, इस विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए कई मंथन किए हमने। उस मंथन में से एक मंथन नाम आया लोक विचार मंथन। अब ये धारा को सारे बड़ौदे के युवा वर्ग, आइडियोलॉजी वर्ग जो भी हैं, शिक्षित वर्ग, ये हमारे साथ जुड़ें, इसलिए हम इन लोगों को इस संस्था में जुड़ने के लिए आह्वान करते हैं और वो हमारी संस्था में आकर अपनी विचारधारा, लोक विचारधारा को रजू करें। और जो भी है स्टूडेंट है, अशिक्षित लोग है, शिक्षित लोग है, जिनको ये समझने का कोई समय उनके पास नहीं है, तो कुछ समय लेकर इन्वॉल्व हो हमारे ऑफिस में आए और समझें और लोक विचार मंथन क्या है उसको आगे लोगों को समझ बढ़ाए। क्यों ना हम सभी इस नेक कार्य में जुड़ जाए। लोक विचार मंथन वडोदरा, वी ऑल आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स नेशन, सो वी ऑल शुड कंट्रीब्यूट एंड मेक अ बेटर इंडिया। सर हम भी कुछ ऐसा ही आंदोलन लेके चल रहे हैं मून फाउंडेशन के साथ, ऑर्गन डोनेशन अवेयरनेस, जो कि आज की आवश्यकता है। मैं ये जानना चाहता हूं डॉक्टर साहब आपसे कि आपका ये जो फाउंडेशन है ये दरअसल काम क्या करता है? हम एक ब्रिज हैं डोनर और रिसिपिएंट के बीच में। धीरू मिस्त्री सर ने तो बरसों पहले ही ये मिशन स्टार्ट कर दिया, साथ कुछ न जाएगा। प्लीज डोनेट योर आईज। मैं यहाँ पे धीरू मिस्त्री सर का वीडियो शेयर करना चाहूंगी। नमस्ते सपना, आजकल देहदान का एक बहुत महत्व लोगों की नज़र में आया है। एक ज़माना था कि लोग वस्त्रदान, अन्नदान और पैसों का दान करते थे, मगर इससे भी ज़्यादा अगर कोई अहम चीज़ है तो वो है देहदान। जब आदमी
गुजर जाता है तो उसके शरीर का कोई अंग किसी काम पर नहीं रहता है, उसे जला दिया जाता है या दफना दिया जाता है। तो क्यों ना उस बॉडी का जो डेड बॉडी है उसका कोई किसी उसके ऑर्गन्स किसी काम आ जाए। तो करीबन 50 साल पहले मैंने एक फिल्म बनाई थी, उसका उद्देश्य था कि लोग नेत्रदान करें। तो उस वक्त मेरी दादी माँ जो कि 106 साल की थी वो गुजर गई, तो मुझे ये लगा कि उनकी आँखें क्यों न मैं दान दे दूँ, क्योंकि मैं उसके पर फिल्म बना रहा था। तो मैं दौड़ते हुए किसी एक डॉक्टर को बुला के लाया, वो हमारे घर आए साइकिल पर आए और दोनों आँखें निकाल के ले गए। उसके बाद पता चला कि वो दोनों आँखें दो अंधे भाई या बहन को दी गई ताकि वे लोग इस दुनिया को देख सकें। तो मेरा आपसे अपील है, अनुरोध है और एक अर्ज है कि जब किसी का एक्सीडेंट डेथ होता है या कोई ब्रेन डेड जाहिर हो जाए डॉक्टर के ज़रिए कि भाई ये पेशेंट तो ब्रेन डेड है, उसके बाद जिंदा होने की पॉसिबिलिटी होती नहीं है, तो उस वक्त और उसे 6 अंग अगर दान दे जाए तो 6 जिंदा आदमी को अगर ट्रांसप्लांट किया जाए तो 6 आदमी को नई जिंदगी मिल सकती है। तो मेरा फिर एक बार अनुरोध है कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो सपना तुम और मोहन फाउंडेशन, कि इस मैसेज को आप लोगों तक पहुँचाएँ ताकि लोगों में एक अवेयरनेस एक सचेतना जागृत हो। धन्यवाद। तो सर हम आप सभी को अहमदाबाद, आई वुड लव टू होस्ट यू इन अहमदाबाद, आपको हम अहमदाबाद इनवाइट करेंगे और आपको हमारी तरफ से एक गिफ्ट है क्रूज एंटार्क्टिका सी वर्ल्ड अहमदाबाद रिवर फ्रंट। सो आप जब भी अहमदाबाद आते हैं आपको मुझे इन्फॉर्म करना है एंड यू हैव टू एंजॉय दैट। बहुत बहुत धन्यवाद आपके अमूल्य समय के लिए। थैंक यू व्यूअर्स, थैंक यू फॉर योर टाइम।